गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8 ऑफ गॉड मदर इंग्लिश स्कूल. टुडे वी स्टार्ट एस एस सब्जेक्ट एस एस वर्क बुक एक्सरसाइज. वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड 5th एक्सरसाइज एंड टुडे वी स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच वॉज क्वेश्चन एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन. द आंसर इज ए सिस्टमैटिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ सेट्स ऑफ रूल्स टू रन द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. एंड कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और unwritten form. Our constitution start with the preamble. The constitution of India is the statement of national goal and aims such as democracy, socialism, secularism, national unity, etc. The constitution assembly was established. तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक सिस्टम, यानी हम बोल सकते हैं सेट्स ऑफ रूल्स को जो है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखना, ठीक है. और वो क्या करता है, तो वो गवर्नमेंट चलाता है हमारी कंट्री का, और उसे क्या बोला जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री कहा जाता है, ठीक है. और कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, या तो रिटन फॉर्म में या तो अनरिटन फॉर्म में, ठीक है. यानी लिखावट में भी हो सकता है और नई लिखावट में भी हो सकता है. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पेज जो है वो प्रिम्बलम का आता है. और कॉन्स्टिट्यूशन का मेन मकसद क्या होता है, तो कुछ एम्स और कुछ ऑब्जेक्टिव को पूरे करना, जैसे नेशनल गोल्स, ठीक है. यानी इसमें हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, नेशनल यूनिटी, ये सब चीज़ों को पूरा करना ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेन मकसद है. और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बनाया गया जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन नई तरह से बनाया जा सके, ठीक है. अब हम सेकंड नंबर पर चलते हैं. तो इंडिया इज अ सेकुलर नेशन, एक्सप्लेन. तो इसका आंसर क्या है, तो ए सेकुलर नेशन मीन्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन्स ऑन इट्स सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस एंड सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, सेक्ट और रिलीजन्स. तो देखो यहाँ पर सेकुलर नेशन का मतलब ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है कोई भी एक रिलीजन को जो है बड़ा नहीं मानती है और उसके हिसाब से काम नहीं करती, ठीक है. और गवर्नमेंट भी जो है एक रिलीजन के हिसाब से काम नहीं करता, और सिटीजन को जो है सिटीजन के साथ कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होता रिलीजन, सेक्ट या फेथ देख के, ठीक है. ये सब चीज़ और ऐसे ही नेशन को क्या बोला जाता है, सेकुलर नेशन. और इसीलिए इंडिया को भी क्या बोला जाता है, सेकुलर नेशन, क्योंकि यहाँ पर जो है रिलीजन्स जो है सबको एक जैसा माना गया है. और वाई इज़ इंडिया नोन एज रिपब्लिक. तो देखो इंडिया को रिपब्लिक क्यों कहा गया है, तो इसका आंसर है रिपब्लिक मीन्स ए गवर्नमेंट हैड ऑब्टेन पावर्स फ्रॉम पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. वी हैव एडोप्टेड ए डेमोक्रेटिक पब्लिक सिस्टम, रिपब्लिक सिस्टम फॉर गवर्नमेंट, विच मीन्स दैट द पावर्स आर नॉट लिमिटेड इन द हैंड ऑफ ए फ्यू प्रिविलेज पीपल, रैदर इट इज एसेसिबल टू ऑल ऑफ द सिटीजन इरेस्पेक्टिवली ऑफ देयर कास्ट, क्लास, रिलीजन और जेंडर. तो देखो रिपब्लिक का मीन्स होता है कि गवर्नमेंट को जो भी पावर मिली होती है वो किससे मिली होती है, तो लोगों से, या डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, ठीक है. यानी वोटिंग के द्वारा या तो डायरेक्टली, ठीक है, इस तरह से. और इसके अलावा रिपब्लिक सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस में क्या होता है, तो देखो जो भी पावर होती है वो लिमिटेड होती है कुछ इंसानों के हाथ में, मगर ज़्यादातर पावर्स किसके हाथ में होता है, तो जितने भी सिटीजन्स होते हैं इंडिया के उसके हाथ में होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड हो, ठीक है. और कोई भी कास्ट से बिलोंग करता हो, कोई भी रिलीजन है, कोई भी जेंडर से बिलोंग करता हो, और इसमें इसको बोला जाता है रिपब्लिक, ठीक है. चैप्टर 4 का भी एक्सरसाइज हम पूरी कर रहे हैं आज. हाउ द ट्रेडर बिकम रूलर, तो ये चैप्टर है. और चैप्टर में पहला नंबर दिया गया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दिस गिवन बिलो, ठीक है. तो इसका पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन है, विच प्लान वॉज लाइक ए स्वीट पॉइजन. तो ऐसा कौन सा प्लान था जो स्वीट पॉइजन की तरह काम करता था, तो वो पॉलिसी का नाम है सब्सिडरी अलायंस, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, हु स्टार्टेड सब्सिडरी अलायंस, ठीक है. तो सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत किसने की थी, तो इसका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है. और थर्ड क्वेश्चन, हु एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस फर्स्ट, ठीक है. तो सब्सिडरी अलायंस फर्स्ट, पहले पॉलिसी को किसने एक्सेप्ट किया था सबसे पहले, तो इसका आंसर आएगा निज़ाम, ठीक है. फोर्थ नंबर, आफ्टर द डेथ ऑफ विच पेशवा वॉज देयर वॉर अमंग मराठा स्टेट. तो देखो कौन सा ऐसा पेशवा था जिसकी मौत के बाद जो है मराठा स्टेट्स में जो है वॉर्स छिड़ गई थी, यानी वॉर्स होने लगी थी, तो वो था नाना पट्टाभि. तो कौन सा ऐसा पेशवा था जिसके मरने के बाद जो है मराठा लोगों, मराठा स्टेट में बहुत सारे युद्ध हो गए थे, तो वो थे नाना फडणवीस, ठीक है. फिफ्थ नंबर पे, विद इन हाउ मेनी ईयर्स डिड लॉर्ड वेलेस्ली एक्सपांड द ब्रिटिश कंपनी एंड मेक ब्रिटिश रूल सुप्रीम इन इंडिया. तो देखो लगभग कितने साल बाद जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है अपना राज्य, यानी ब्रिटिश कंपनी का जो है राज्य बढ़ाया था,
और ब्रिटिश का रूल जो है सुप्रीम हो चुका था इंडिया में, तो लगभग 7 साल के अंदर ये चीज़ हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है अपनी पावर को दिखा दिया था ब्रिटिशरों की पावरों को, ठीक है। और 6th नंबर, बिटवीन विच सिटी वॉज द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड इन इंडिया, तो कौन सी ऐसी सिटी थी जिसके बीच में, यानी कौन सी दो सिटी थी जिसके बीच में पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी, तो वो थी मुंबई और थाने, ठीक है। और 7th नंबर, व्हेन डिड द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट इन इंडिया, तो पहली बार इंडिया में पहली रेलवे लाइन कब स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्ट हुई थी 1853 सर्टन ईरा में, ठीक है, यानी बी। और 8th नंबर, इन विच सिटी वेयर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश फर्स्ट इन इंडिया, तो ऐसे कौन सी सिटीज़ थी जहाँ पे यूनिवर्सिटी पहली बार बनवाई गई थी इंडिया में, तो वो थी डी, इन मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। 9th नंबर, इन विच ईयर वेयर द 3 यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन इंडिया, यानी वो कौन सा साल था जब 3 यूनिवर्सिटी इंडिया में बनवाए गए थे, तो वो था 1857 सर्टन ईरा, ठीक है। 10th नंबर, विच पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रियून द नेटिव किंग्स ऑफ इंडिया, तो देखो ऐसी कौन सी पॉलिसी थी जिसके वजह से जो राजा थे उनके बीच में झगड़े हो रहे थे और उन्होंने उनको अपना राज्य खोना पड़ा था, ठीक है। तो उसका जवाब है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है, यानी आंसर आएगा डी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है। इसी पॉलिसी की वजह से जो है बहुत सारे राजा जो है आपस में लड़ बैठे और उसके वजह से जो है ब्रिटिशरों ने उनका फ़ायदा उठाया, ठीक है। अब हम फिलिंग ब्लैंक्स की बात करेंगे, तो फिलिंग ब्लैंक सेकंड एक्सरसाइज, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द डैश पॉलिसी इन इंडिया, तो देखो लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई थी इंडिया के लिए, तो सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। और अब सेकंड नंबर, सब्सिडरी अलायंस वाज लाइक अ डैश फॉर नेटिव स्टेट, तो देखो नेटिव स्टेट के लिए सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी कैसी थी, तो एक स्वीट पॉइजन की तरह काम कर रही थी जो धीरे धीरे जो है नेटिव स्टेट के बीच में झगड़े लगा रही थी, ठीक है। डैश एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस फर्स्ट, सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस फर्स्ट पॉलिसी में पहली बार कौन फंसा था, तो निज़ाम लोग, ठीक है। 4th नंबर, लॉर्ड वेलेस्ली मेड ब्रिटिश रूल सुप्रीम इन इंडिया बाई डैश, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश रूल को पहले नंबर पे कैसे पहुंचाया, तो सब्सिडरी अलायंस से, ठीक है, ये पॉलिसी की वजह से ही जो है ब्रिटिशर लोग बहुत आगे गए थे और उनका राज भी बढ़ा था, ठीक है। और 5th नंबर पे, डैश वाज द पावरफुल रूलर ऑफ पंजाब, तो पावरफुल रूलर ऑफ पंजाब कौन थे, तो महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। 6th नंबर, जनरल गवर्नर जनरल डैश ब्रॉट द सिख किंगडम अंडर द ब्रिटिश रूल, तो कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सिख राज्य को जो है अपने ब्रिटिश रूल के अंडर लाए थे, ठीक है, यानी ब्रिटिश रूल के हाथ में लाए थे, तो वो कौन थे, तो सर हेनरी हॉकिंग्स, ठीक है। 7th नंबर पे, लॉर्ड डैश एनेक्स द स्टेट ऑफ दोज नेटिव किंग्स हु डाइड विदाउट ए सन, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है एक पॉलिसी के दौरान जो है बहुत सारे ऐसे राजाओं का जो है राज्य छीना था जिसके बच्चे नहीं थे, ठीक है, यानी उनका कोई संतान नहीं था, तो उस राज्य को जो है डेलाउजी ने अपनी पॉलिसी से छीना था, ठीक है। अब देखो द फर्स्ट, 8th नंबर, द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड फ्रॉम मुंबई टू थाने ड्यूरिंग लॉर्ड डेलाउजी टेन्योर, तो देखो पहले रेलवे लाइन मुंबई से थाने से जब थाने तक जो है स्टार्ट हुई थी वो कब हुआ था, तो जब लॉर्ड डेलाउजी गवर्नर जनरल थे, ठीक है, यानी उनके कार्यकाल में ही यह चीज़ हुई थी, पहली बार रेलवे लाइन स्टार्ट हुई थी मुंबई से थाने तक, ठीक है। और 9th नंबर में लिखा है द फर्स्ट रेलवे वॉज स्टार्टेड इन इंडिया बिटवीन डैश एंड डैश, तो पहली रेलवे लाइन स्टार्ट इंडिया में कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी, तो देखो मुंबई से थाने के बीच में हुई थी। और 10th नंबर में ऐसा पूछा गया है, 10th नंबर का क्वेश्चन है, रेलवे टेलीग्राफ एंड पोस्ट सिस्टम वेयर स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग लॉर्ड डैश टेन्योर, तो रेलवे टेलीग्राफ और पोस्ट सिस्टम कब इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था और उस समय पे गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था डेलाउजी, ठीक है। डेलाउजी के गवर्नर जनरल होने के समय पे ही जो है रेलवे टेलीग्राफ और पोस्ट सिस्टम की शुरुआत हुई थी। 11th नंबर, द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी वेयर एस्टेब्लिश इन इंडिया इन द ईयर डैश सर्टन ईरा, तो देखो पहली बार जो 3 यूनिवर्सिटी बनाए गए थे इंडिया में वो कौन से साल में बनाए गए थे, तो 1857 सर्टन ईरा में बनाए गए थे, ठीक है। 12th नंबर पे, लॉर्ड डैश वाज द फादर ऑफ द एनेक्सेशन पॉलिसी, तो देखो एनेक्सेशन पॉलिसी के फादर किसे कहलाते हैं, कौन कहलाता है, तो डेलाउजी, ठीक है। और ये पॉलिसी के अंडर ही जो है डेलाउजी ने जो है ब्रिटिश रूल को बहुत ही बढ़ाया था, ठीक है। अब 13, लॉर्ड डैश मेड द ब्रिटिश कंपनी द सुप्रीम पावर इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड ब्रिटिश कंपनी की पावर को बढ़ाने वाला कौन था, तो लॉर्ड डेलाउजी, ठीक है।
14th नंबर, वॉर स्टार्टेड अमंग द मराठा स्टेट्स आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा नाना फडणवीस। ठीक है, तो वॉर सब मराठा स्टेट्स में सब जगह पे जो वॉर स्टार्ट हो गई थी किसके डेथ के बाद, तो नाना फडणवीस के बाद। ठीक है, अब हम राइट रॉन्ग की बात करेंगे। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वॉज ए पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो ब्रिटिश की है, तो ये बात सही है, राइट। ठीक है, सेकेंड नंबर, वैन लॉर्ड वेलेसली केम टू इंडिया हैज गवर्नर देर वॉज ए कट थ्रोट कंपटीशन बिटवीन इंग्लैंड एंड पोर्चुगल। तो देखो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि लॉर्ड वेलेसली जब इंडिया में आए थे गवर्नर जनरल बन के, उस समय पे इंग्लैंड और पोर्चुगल के बीच में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था, तो ये बात गलत है, ठीक है, रॉन्ग आएगा। 13 नंबर पे ऐसा पूछा गया, मैनी नेटिव स्टेट्स बिकम विक्टिम्स ऑफ वेलेसली एनेक्सेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे देखो ऐसा बोला गया कि वो जितने भी आसपास के राज्य थे वो विक्टिम थे किसके, तो वेलेसली एनेक्सेशन पॉलिसी, तो ये बात रॉन्ग है क्योंकि वेलेसली की एनेक्सेशन पॉलिसी नहीं है, किसकी है, तो डेलाउजी की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सब्सिडरी अलायंस वॉज एक्सेप्टेड फर्स्ट बाय मराठा। तो देखो सबसे यहाँ पे बताया गया है कि सब्सिडरी अलायंस जो है वो पहली बार मराठा द्वारा एक्सेप्ट किए गए थे, तो ये बात रॉन्ग है क्योंकि हमने पढ़ा था निज़ाम जो है उन्होंने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को माना था। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे ऐसा लिखा है कि वॉर स्टार्टेड अमंग द मराठा स्टेट्स आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा नाना फडणवीस। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि मराठा स्टेट में जो है वॉर चालू हो गई थी सब जगह पे, और किसके डेथ के बाद, तो नाना फडणवीस के बाद, तो ये बात सही आएगी। यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, राइट कर देना, ठीक है, यहाँ पे गलती है तो मैं भी सुधार देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, राइट। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था इससे पहले कि जो है पेशवा नाना फडणवीस के डेथ के बाद ही जो है वॉर शुरुआत हो गई थी नाना महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्स नंबर पे लिखा, लॉर्ड वेलेसली बिकम फ्रेंड विद महाराजा रंजीत सिंह। यहाँ पे ऐसा बोला गया कि लॉर्ड वेलेसली जो थे वो दोस्त थे महाराजा रंजीत सिंह के, तो ये बात सही है। सेवन्थ नंबर पे ऐसा लिखा है कि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वे वॉज एस्टैब्लिश इन द स्टेट ऑफ नेटिव किंग्स हु एक्सेप्टेड लॉर्ड वेलेसली सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि हर राज्य जो है अच्छी तरह से चल रहे थे जब वो लॉर्ड वेलेसली के सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को मान रहे थे, तो ये बात रॉन्ग है क्योंकि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम मानने के बाद जो है लोग राजा जो है धीरे धीरे गरीब होते जा रहे थे क्योंकि उनको खर्चा उठाना पड़ रहा था ब्रिटिशरों की आर्मी का। ठीक है, ये चीज़ हो रही थी। एट्थ नंबर पर ऐसा पूछा गया, मॉडर्न पोस्ट सिस्टम वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग लॉर्ड वेलेसली टेन्योर, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि पोस्ट सिस्टम लॉर्ड वेलेसली के टाइम पे नहीं हुआ था, लॉर्ड डेलाउजी के टाइम पे पोस्ट सिस्टम चालू हुआ था। ठीक है, तो ये रॉन्ग आएगा। अब मैथ द फॉलोइंग पढ़ते हैं, तो मैथ द फॉलोइंग का पहला नंबर है सब्सिडरी अलायंस, इसका आंसर आएगा वेलेसली। सेकंड है एनेक्सेशन पॉलिसी, तो इसका आंसर आएगा डेलाउजी। थर्ड है महाराजा ऑफ पंजाब, तो इसका आएगा रंजीत सिंह। और फोर्थ है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थ्री यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी थ्री यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट यानी कब बसाया गया था, तो वो है 1857 सटन ईरा में। ठीक है, तो ये हो गया पूरा, अभी हम यहाँ तक ही रखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक तुम्हें क्या करना है, तो वर्कबुक में ये सब चीज़ें जो है कंप्लीट करके रख लेंगे। थैंक यू।